ना तो मैंने कभी ये बात चल करके कही कि मुझे इंडिया गठबंधन की जरूरत है। हमने एक बात कही थी, गैर कांग्रेसी गैर भाजपा अगर कोई तीसरा मोर्चा बनता है तो हम उस मोर्चे में बिना शर्त शामिल होंगे, लेकिन अगर किसी में कांग्रेस और भाजपा होगी वो अपना वर्चस्व दिखाएगी, वो अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करेगी, हम नहीं जाएंगे। हमने ये बात खुल के कही है कि कांग्रेस से परहेज नहीं है, लेकिन शर्त के साथ नहीं, निस्वार्थ। कोई प्रदेश हित की बात करे, निस्वार्थ हमारे पास चल कर के आए तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रोपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए आज भूपेंद्र हुड्डा को ईडी पूछताछ करें, क्या करना चाहिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी पूछताछ जो कर रही है, मुझे लगता नहीं कि ईडी उसको जैसे और लोगों को, ये तो एक्चुअल मुजरिम है। ये भाजपा तो उन लोगों को तंग करती है जिनका इन चीजों से कोई वास्ता नहीं, उनको राजनीतिक तौर पे कमजोर करती है। हुड्डा की लूट तो सबके सामने है कि कैसे इसने 72,000 एकड़ जमीन जो है हरियाणा के किसान की लेकर के बिल्डरों को सौंप दी थी, कैसे अपने चेतों को इसने लाभ पहुंचाता, कैसे अपने चेतों को इसने प्लॉट बांटे थे। ये अखबार में तो ये कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर नहीं किया तो इसको को सार्वजनिक जगह पे आए और हमारी बातों का